मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर महादेव। करते हैं नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो जिम पे आ गया हूँ और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो पानी भरा हुआ है सारे में। और मैं आ गया हूँ सुबह सुबह छत पे क्योंकि टंकी का पानी ख़त्म हो गया था। टंकी का पानी भरने के लिए आया था क्योंकि इसमें अभी वैसा सिस्टम करवाया हुआ कि आना पड़ता भरने के लिए, खड़ा होना पड़ता है यहाँ पर क्योंकि फिर ये सप्लाई बंद करनी पड़ती है ये समरसेबल वाली। जब समरसेबल का काम होता है तो वरना फिर ये ओवरफ्लो हो जाती है और सारा इसका पानी जाता है नीचे। तो इस चक्कर में खड़े होकर भरनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगती हैं बस, पानी तो भर जाता है कम से कम। ये तो नहीं कहीं से ले कर भागने पड़ रहा है कि इधर उधर जाना पड़ रहा पानी के लिए। सही है, पानी भर जाए फिर जाता हूँ नीचे। और जुगाड़ चढ़ कर आया हूँ, यहाँ से अड्डी लगी हुई है इससे चढ़ के फिर ऊपर आया हूँ। शुक्र है पानी, मतलब बारिश रुक गई है, वरना आता तो मैं फिर भी बस गीला हो जाता सारा का सारा प्रॉब्लम। तो जिम पे आ गए पापा और मैं जा रहा हूँ बाइक लेके बैंक तक, थोड़ा सा काम है। तो पापा अभी आए हैं जस्ट, मेरा खाना भी लेके आ गए और अब बैठ गए हैं। तो मेरे को थोड़ा सा काम ज़रूरी जाना है बैंक से। और सुबह भाई बारिश हुई है, ये बहुत ज़्यादा मौसम देख लो क्या बढ़िया हो रहा है। इधर मैं सुबह गाड़ी से आया था इसी चक्कर में और अब जा रहा हूँ बाइक लेके जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा। छोटा सा पता करना आना, कुछ चीज़ें पूछ के आनी है बैंक वालों से, बस वो पता करके आ जाऊँ। क्लियर हो जाएगा तो मैं आज ही ख़त्म कर दूँगा, वरना कल तक क्लियर कर देंगे काम अपना जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं, पता करके आते हैं चीज़ें, जो डाउट है उसको क्लियर करवा के आता हूँ। थोड़ा सा घर आ गया मैं, साफ सफाई करवा दी जिम की, पर जल्दी जल्दी निकला तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो बस गांव वाले घर में एंटर किया ही है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और खाना वाना खाऊंगा। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, वैसे तो खाया था खाना, सॉरी पराठे खाए थे, प्राची ने बना के दिए थे वो, और अब खाना खा लूँगा जो ले कर आया हूँ मैं। देखता हूँ क्या है खाने में। टाइम हो रहा है 10 बज गए और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। ज़्यादा आज निकलते हुए छूट ही नहीं कर पाया, एक तो बारिश वारिश हो रही थी उसमें लगा हुआ था, फिर बच्चे आगे वर्कआउट के लिए उन्हें बताने लगा, टाइम ही नहीं मिल पाता भाई अकेले बंदे को शूट करने के लिए, क्या करें। बाकी अब निकल गया हूँ भाई घर के लिए, अब यहाँ सावेरी में फंसूँगा थोड़ा बहुत, देखते हैं कितना जाम मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कितना परेशान होते हैं आज क्योंकि बारिश वैसे पड़ी है तो वैसी भीड़ मिलेगी, जाम मिलेगा बहुत ज़्यादा। ऊपर से सावेरी का जाम सबको पता ही है, नॉर्मली इतना मिलता है तो आज देखो कितना मिलता है। सावेरी के जाम को चीरते हुए हालत अपनी पतली करते हुए 45 मिनट से जाम में फंसा हुआ भाई, अब निकल रहा हूँ। अब तो खैर NH 24 पर चढ़ चुका, निकले हुए 5 मिनट हो गई, बट हाँ अब थोड़ा ऐसा था कि शूट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत व्लॉग अपना, तो अब चालू करा है। आज दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला भाई, और अभी भी हो रहा है मेरे सर में दर्द बहुत भयंकर वाला। एक तो पोल्यूशन ही था ना भाई, और गाड़ी से आना मुझे पसंद है नहीं, रीज़न मैं बताता हूँ भाई, सावेरी, इसलिए मैंने बाइक पर स्विच किया था। और बरसात का मौसम चल रहा है मानसून का, ये भाई डेली बारिश मिल जा रही है, डेली गाड़ी लानी पड़ रही है, डेली सी हो रही है, वरना देख लो मतलब इस टाइम नहीं हो रही, बारिश नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा हूँ जो पीछे मैंने देखा था, मुझे लगा यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि पुल क्रॉस किया अभी, मुझे दिखाना था पोल्यूशन, धुआं हो रहा भाई पूरे रोड पर, प्रॉपर एक जगह कहते हैं ना धुएँ की लेयर, ऐसा दिख रहा है बिल्कुल। क्या करें यार, समझ नहीं आती साली कुछ चीज़ें कभी कभी तो। और गाड़ी से आना सच में पसंद नहीं है भाई, गाड़ी से लग जाते हैं मुझे 1.5-2 घंटे, बाइक से लगते हैं मुझे मैक्स टू मैक्स 35 मिनट, 40 मिनट मान लो, चलो मैक्स मैं 35 मिनट में पहुंच जाता हूँ घर, वैसे 40 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 35 मिनट में मैं घर पहुंच जाता हूँ, कितने प्यार से चला लूँ बाइक में, और ट्रैफिक में यूँ निकल जाता हूँ, और गाड़ी से बस खड़े रहो, बस ऐसे ऐसे ले गए यूँ खड़े रहो, बस हर टाइम यूँ खड़े रहो बैठे हुए गाड़ी में, बस वेट करते रहो, थोड़ी थोड़ी गाड़ी खिसकेगी और थोड़ी सी 100 मीटर लंबी चल जाए ना, 100 मीटर तो कहीं ज़्यादा बोल दिया मैंने, 30 मीटर भी लंबी चल जाए ना, ऐसे खुशी मिलती है, ओ माय गॉड एक बार में इतनी खिंच गई। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम तो करना पड़ेगा, जब तक घर बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक अपना काम ऐसे ही चलेगा, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अभी। चलो खींचतान तो हो ही रही है, जैसी तैसी हो रही है, जैसी तैसी ऐसी तैसी, राइम कर दिया मैंने गाली को भी, अरे उसको भी राइम कर देता हूँ मैं। तो चलो आप लोग करो भाई टाइम लैप्स एंजॉय करो, थोड़ा सा पहुँचते हैं घर सीधा अब।